वेलकम बैक स्किल्सन की किचन, लज्जत विद स्किल्सन में आपको वेलकम बैक कहते हैं हम। जैसे कि बात कर रहे थे प्रोग्राम की, लज्जत की, खानों की, तो साथ साथ मैं आज आपको अपने प्रोग्राम के बारे में कुछ चीज़ें बताती जाऊं। ये प्रोग्राम जो हमारे एक प्रोफेशनल चूके किचन का प्रोग्राम है, चूँकि प्रोफेशनल किचन का प्रोग्राम है तो यहाँ पर सिर्फ रिवायती खानों की, एक ट्रेडिशनल खानों की बात नहीं होगी। जहाँ हम बात करेंगे खाने की, वहाँ हम बात करेंगे साथ साथ न्यूट्रिशन वैल्यू की, उसके सेहत और सफाई के उसूल की, खाने की गजाइत की, न्यूट्रिशन की, और किस तरह कि हम किचन को अपने ऑर्गेनाइज करेंगे, ये सब बातें हम आपके साथ करेंगे। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताती जाऊं, हम हर हफ्ते स्किल्सन के एक कैंपस भी जाएंगे, विजिट करेंगे, जहां पे हम आपको बताएंगे प्रोफेशनल किचन कैसा होता है। हमारे माहिर असातिज़ा, हमारे जो ट्रेनर्स हैं, वो आपको साथ साथ ये बताते जाएंगे कि हम किस तरह अपने टेबल को सेटअप कर सकते हैं। घर में हमारे जब मेहमान आए तो हम अपने डाइनिंग के जो एटिकेट्स हैं उसको किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने घर में, और साथ साथ किस तरह हम अपने घर के टेबल को कर सकते हैं मज़ेदार, बेकिंग के साथ मज़ेदार खानों के साथ अरेंज, और अपनी पार्टीज को, अपने मेहमानों को और अपने प्यारों को खिला सकते हैं मज़े मज़े के खाने। हम सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जी स्किल्सन ने अपने सबसे पहले कैंपस का आगाज़, जो कि हमारा हेड ऑफिस है, मेन कैंपस है, उसका आगाज़ किया 2014 में। 2014 में हमने अपना सबसे पहला मेन कैंपस रखा जो कि आर्ट्स काउंसिल के पास है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की चाहत और प्यार और हमारी मेहनत की वजह से ये स्किल्सन के कैंपस अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ते गए। आप लोगों की चाहत थी, रिक्वायरमेंट थी कि जी हम आहिस्ता आहिस्ता अपने जो कैंपसेस हैं उनको बढ़ाते जाएं, क्योंकि हर इलाके की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, हर शख्स इतनी दूर नहीं आ सकता था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने अपना सेकेंड कैंपस, सिटी कैंपस हमारा, जो कि हमारा सेकंड कैंपस है, उसको हमने रन किया। फिर हमने हैदराबाद शहर में अपना कैंपस स्किल्सन का रन किया, जहाँ पे हज़ारों तलबात ने स्किल्स हासिल की, और अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क तरक्की के, रोज़गार के जो उनको मौाक़े थे वो मिले और उनकी प्लेसमेंट कराई गई। इसके साथ साथ हमारा फोर्थ कैंपस वाटर पम्प कैंपस रन हुआ, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी बहुत बेहतरीन तालीम दी जा रही है, स्किल्स दी जा रही हैं। हमने सिर्फ ना सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में एजुकेशन को बढ़ाया या सिखाया, इसके साथ साथ हमने गवर्नमेंट सेक्टर, जिसमें हमारी सिंध गवर्नमेंट के सेक्टर्स और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सेक्टर्स, जो कि स्किल बेस्ड ट्रेनिंग देते थे, और वो स्टूडेंट्स जो कि एजुकेशन नहीं हासिल कर सकते थे बहुत हैंडसम अमाउंट के साथ या फीस नहीं दे सकते थे, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज लॉन्च किए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एजुकेशन में कहीं भी वो लूज पॉल नहीं आया कि हम कहें जी ये प्राइवेट का स्टूडेंट है या स्किल ये वो बच्चा है जो गवर्नमेंट फंडेड उस पर प्रोग्राम से पढ़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इक्वली उनको ट्रीट किया गया, बेहतरीन रोज़गार के मौके दिए गए, और वो हमारी फूड इंडस्ट्री में, बेहतरीन फूड इंडस्ट्री में, नेशनल और इंटरनेशनल जो हमारे होटल्स इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री है, उसमें प्लेस हुए। और साथ साथ आपको ये भी बताती जाऊँ, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहे जिन्होंने अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया, अपनी आउटलेट स्टार्ट की, और उसको स्किल्सन ने कंसल्टेंसी बराबर फराहम करते गए। चले जी, ये तो हो गई आपके साथ थोड़ी बातें, और चूँकि बाकायदा किचन का भी आगाज़ करना है तो क्यों ना मैं आपको साथ साथ ये भी बताती जाऊँ कि आज मुझे असिस्ट किचन में कौन करने जा रहा है। तो चलते हैं अपने किचन की तरफ, चूँकि आज मेरे पास मौजूद है मुझे असिस्ट करने के लिए सिद्रा मेरी असिस्टेंट शेफ है, जो कि मुझे इस वक्त किचन में असिस्ट करेंगी, और इसके साथ साथ मेरे पास मौजूद है किंजा भी मुझे किचन में असिस्ट करेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों स्टूडेंट्स मेरी बेहतरीन स्किल्स के साथ काम करती हैं, यहीं से इन्होंने एजुकेशन ली और साथ साथ अपना करियर भी स्टार्ट किया। तो थोड़ी सी बात करते हैं किंजा से। जी किंजा, कैसा रहा आपका एजुकेशन हासिल किया आपने, कैसा महसूस किया आपने, क्या इम्प्रूवमेंट आया, क्या चीज़ें सीखी, कैसा पाया आपने स्किल्स को? शेफ, जैसे कि मैं होम बेस लेवल पे चल रही थी, मुझे काफ़ी सारी टिप एंड ट्रिक्स जो थी वो नहीं पता थी, तो मैं जैसे ही मैंने स्किल्सन का नाम सुना और मैंने सुना कि यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, तो फिर मैंने यहाँ पे एडमिशन लेने का सोचा। और फिर जब मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया तो फिर यहाँ की मैनेजमेंट इतनी अच्छी थी,
कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे से गाइड किया और कोर्सेज के बारे में बताया। फिर जिन कोर्सेज में मैंने एडमिशन लिया वहाँ के शेफ्स बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे सिखाया सारी चीज़ें, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज शेफ के साथ खड़ी हूँ और आप लोगों के सामने खड़ी हूं। तो किनसे कहीं ऐसा महसूस हुआ कि हम जब घर पर विदाउट ट्रेनिंग काम कर रहे होते हैं, विदाउट स्किल्स काम कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम हमारे काम में लूज पोल आता है, कहीं ना कहीं हम नुकसान भी करते हैं चीज़ों का, ऐसा महसूस हुआ कभी? जी शेफ, कहीं कहीं होता है, लेकिन जो ट्रिप एंड ट्रिक्स आप लोगों से सीखी हैं हमने, उनको अप्लाई करते हुए आगे बढ़ें। जी सिद्रा, आपका सफ़र कैसा रहा इस किचन में? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मतलब एक सिर्फ होम बेस्ड कुकिंग ही आती थी और लगता था कि उसमें बहुत बेस्ट है, लेकिन जब यहाँ पर आए और एक प्रोफेशनल शेफ्स और इंस्टीट्यूट के साथ मैं सीखा, लर्निंग की, तो पता चला कि नहीं, हमें बेसिक्स भी नहीं पता हैं जो एक प्रोफेशनलिज्म की होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जब अब जो है वो किचन असिस्टेंट, शेफ असिस्टेंट हैं और शेफ के साथ अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। तो थैंक यू फॉर स्किल्सटन और शेफ्स का थैंक यू बहुत कि इन्होंने हमें इस काबिल समझा कि अंतर आज यहाँ पर हमें शो में बुलाया। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारे असिस्टेंट्स का भी साथ साथ इंट्रोडक्शन। मैं आपको साथ साथ ये भी बताती जाऊँ कि हम वीकली बेसिस पे आपको कुरानदाजी करके फ्री कोर्स भी ऑफर करेंगे, जिसके लिए आपने लाइक एंड शेयर करना है स्किल्सटन का पेज और कुरानदाजी में शामिल हो जाइए। उसके बाद देखते हैं कौन लकी विनर होगा जो कि स्किल्सटन की फ्री जो ट्रेनिंग है उसका हिस्सा बनेगा। अभी मैं आपको थोड़ी देर में नंबर भी शेयर करती जाऊंगी। इसके साथ साथ आप लाइव कॉल भी हमें कर सकते हैं, आपकी जो क्यूरियस हैं, आपकी फरमाइशें हैं, आप कोई सवाल करना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, तो आप लाइव कॉल कीजिए। नंबर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, साथ साथ आप हमें लाइव कॉल करें और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी बनाने जा रही हूँ, बहुत आसान सी रेसिपीज़ हैं। मोस्टली इसको खाने के लिए, डाइन आउट करने के लिए आप लोग बाहर जाते हैं और बहुत हैंडसम अमाउंट्स के लिए पे करते हैं, लेकिन घर में हम ये बहुत कम पैसों में बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। कुछ टेक्निक्स रिक्वायर्ड होती हैं, आज उन पे भी बात करेंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन हांडी। चिकन हांडी के साथ साथ हम बनाने जा रहे हैं इंस्टेंट नारियल की मिठाई, जो कि घर में मेहमान आ जाएँ, कभी हो कि किसी के घर कुछ लेके जाना है तो क्यों ना घर का बनाया हुआ साफ सुथरा खाना लेकर जाएँ। और चूँकि गर्मियों का मौसम है, आम का सीज़न है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आम के बगैर प्रोग्राम हो जाए। तो साथ साथ हम आएंगे मैंगो लस्सी। तो प्रोग्राम का स्टार्ट करते हैं। सिद्रा, इसके अंदर तेल डाल दीजिए। सबसे पहले हम इसमें, हमारे पास आप यहाँ देख रहे हैं मिट्टी की हांडी मौजूद है। अगेन, जब आप मिट्टी की हांडी लेकर आएँ घर पे, इसको आप इस्तेमाल करना चाहें तो कभी भी आप इसको डायरेक्ट, ऐसा नहीं कि बाजार से आप खरीद के लाए और आपने इस्तेमाल कर लिया। आपने क्या करना है, इसको 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगो देना है। अगर ओवरनाइट भिगोना चाहते हैं, सारी रात के लिए भिगोना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन 3 से 4 घंटे आपने लाजिम भिगोना है। उसके बाद आपने इसको खुश करना है और इसके बाहर आपने सरसों का तेल लगा देना है। जब आप इस पर सरसों का तेल लगा देंगे और इसको भिगो के रखेंगे तो इसमें एक मजबूती आ जाएगी और ये डायरेक्ट हीट पे रखने से, यानी चूल्हे पे रखने से, ये क्रैक नहीं होगी, यानी कि चटकेगी नहीं। तो इस, ये जब आप घर पे हांडी लेकर आएँ तो ये प्रैक्टिस आपने करनी है। इस वक्त हमने इसमें कितना तेल ऐड कर दिया है, तकरीबन हमने 250 ml इसमें, यानी कि 1 कप तेल इसमें शामिल कर दिया है। अब हम इसमें डालने जा रहे हैं 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट। ये देखिए, हमने डाल दिया इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट। ये देखिए, अच्छा, ये हांडी की खसूसियत होती है कि जी जब ये गर्म हो जाती है तो अच्छी देर तक गर्म रहती है और इसमें खाना जल्दी ठंडा नहीं होता। अब चूँकि वैसे भी गर्मी के मौसम है, एक खाना बाहर रखे रखे ख़राब हो जाता है, तो इसमें खाना ज़्यादा देर तक महफूज भी रहता है। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास 2 बड़ी प्याज और 5 से 6 हरी मिर्चें हैं जो कि बॉयल हुई हैं। ये देखिए, ये मैंने बॉयल होने रखी थी, उसको ठंडा करना था चूँकि मैंने, तो इसका चूल्हा मैंने अभी बंद कर दिया। और ये 2 बड़ी प्याज जो कि स्लाइस हुई हुई हैं, ये देखें, और ये 4 से 5 हरी मिर्चें जो बॉयल हो गई हैं, और इसको हम ब्लेंड करेंगे और इसका पेस्ट बनाएंगे। इस ये बेसिकली हमने क्यों किया है, ये हांडी का बेस है, हांडी का बेस हम इससे बनाएंगे। देखें, लहसुन अदरक को हम थोड़ा सा करेंगे गोल्डन, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। इसको पीस लें सीधा, इसको पीस लें। और साथ साथ आप यहाँ देखें, ये 3 से 4 टमाटर, यानी कि अगरचे बड़े टमाटर हैं, लाल रंग के टमाटर लेने हैं, अच्छे गूदे वाले टमाटर लेने हैं, अगरचे
बड़े टमाटर हैं तो 3 टमाटर बहुत हैं, लेकिन अगर दरमियाने साइज के टमाटर हैं तो आप 4 से 5 ले सकते हैं, वो आप लेंगे और उसको आप क्या करेंगे, हल्के गर्म पानी बॉयल पानी में डालेंगे और बॉयल पानी से निकालने के बाद आप उसको ठंडे पानी में डाल के छिलका उतार लेंगे और इसको इस तरह चॉप कर लेंगे। अभी हम इसको ब्लेंड भी करेंगे, यानी कि हम जैसे जैसे रेसिपी करते जाएंगे आपके साथ चीज़ें शेयर करते जाएंगे, और आपको कोई सवाल हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप हमें फ़ोन कीजिए। आपके फीडबैक्स, आपकी राय हमेशा से हमारे लिए इंपॉर्टेंट रही है, और बहुत सारे वो लोग जिन्होंने रमज़ान में से फरमाइशें की थी और एक लिस्ट मेरे पास जनरेट हुई भी है, उनकी भी फरमाइशें हम साथ के साथ इस प्रोग्राम में लेते जाएंगे। वो लिस्ट मैंने तैयार करके रखी हुई है। हमारी ऑडियंस उस वक्त जो रमज़ान में हमारे पास मौजूद होती थी स्किल्सन के किचन और रमज़ान करीम की ट्रांसमिशन में, उन वो बिल्कुल अपना दिल ख़राब ना करें। ऐसा नहीं है कि हम उनकी फरमाइशें पूरी नहीं करेंगे या हम उनको भूल गए, हम उनको बिल्कुल नहीं भूले हैं। आप लोग हमेशा से हमारे साथ हैं और हमारे साथ रहेंगे। जी ये देखें, यहाँ पे ये हल्का हल्का गोल्डन हो गया है। अब ये प्याज जो हमने अभी ब्लेंड की है, प्याज और हरी मिर्च का मिक्सचर, वो हम इसमें ऐड करेंगे। 2 प्याज जो कि हमने बॉईल की है 4 से 5 हरी मिर्चों के साथ। किधर है सिद्राव? ये ठीक है, ये देखें ये मौजूद है, ये हमने अब इसमें ऐड कर दिया। ये देखें इसको हम हल्का हल्का सब फ्राई करते जाएंगे। ये भी ब्लेंड कर लें सिद्राव, इसको भी बहुत गोल्डन नहीं करना है। ये देखिए यहाँ पे ये जब तक ब्राउन हो रहा है, थोड़ा सा गोल्डन हो रहा है स्किल्सन और अपना लज्जत विद स्किल्सन में, हम आपको ब्रेक का टाइम हो गया है और इस वक्त मुझे गले में फंदा लग रहा है। आते हैं एक ब्रेक के बाद। लज्जत बिस्किल्सन में आपको वेलकम बैक कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे प्याज हो रही है हल्की हल्की गोल्डन। ये देखिए अभी इसमें थोड़ा सा टाइम है, 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको इसको थोड़ा सा गोल्डन होने में। उसके बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे, टमाटर ऐड करेंगे, साथ साथ हम स्टार्ट कर देते हैं इंस्टेंट नारियल की मिठाई का काम, ताकि एक तरफ वो काम भी होता जाए। उसके लिए हमें रिक्वायर्ड है एक पैन, फ्राइंग पैन लेंगे। जी ये आ गया हमारा फ्राइंग पैन, ये देखिए बहुत स्लो फ्लेम पे आपने नारियल का काम करना है, क्योंकि नारियल इतनी सेंसिटिव इंग्रेडिएंट है, यानी कि इतना नाजुक इंग्रेडिएंट होता है, अगर इसको थोड़ी सी फ्लेम ज़्यादा मिल जाए तो ये एकदम से जल जाता है। हमें इसको गोल्डन भी नहीं करना है और हल्का सा अरोमा भी देना है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि हम इसको बहुत स्लो फ्लेम पर इसका काम करें। ये देखें हम सबसे पहले इसमें लेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल इसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि इसके जो इंग्रेडिएंट हैं वो इस तरह के इंग्रेडिएंट हैं कि अगर इसमें तेल ज़्यादा चला गया तो ये फिर बाइंड नहीं हो पाएगी, तो हम इसकी बाइंडिंग भी करनी है, जिसके लिए हमें बहुत ध्यान से इसको ट्रीट करना होगा या वो रेसिपी बनानी होगी। ये देखिए ये आ गया हमारा 250 ग्राम नारियल का बुरादा, यानी कि 1 पाव नारियल का बुरादा हम लेंगे। साथ साथ हमारे पास मौजूद है 1 कप खुश्क दूध, यानी खुश्क दूध आप इसमें देखें 2-3 तरह का खुश्क दूध मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें फुल क्रीम भी अवेलेबल है, एक वो जिसमें थोड़ी कम क्रीम होती है वो भी अवेलेबल है। तो इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जी आप दोनों चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ हमारे आप रेसिपी कार्ड पे आप रेसिपी भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप देखें स्क्रीन पे आपको रेसिपी कार्ड नज़र आ रहा होगा। ये देखें ये प्याज में अभी भी मैं अगर आपको दिखाऊं, ये देखिए अभी ये बिल्कुल सफ़ेद है। इसको हल्का सा हम गुलाबी करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा गुलाबी, ताकि बॉयल तो है लेकिन इसमें अभी भी अगेन एक थोड़ा सा फ्लेवर है जिसको ब्लेंड होना है, यानी कि वो फ्लेवर इसमें बिल्कुल बराबर एक जान हो जाएगा। उसके बाद हम इसको आगे प्रोसेस करेंगे। ये देखें हमारे पास फ्राइंग पैन मौजूद है, इसमें हमने डाला ये 1 पाव नारियल। आ जाए सिद्रा यहाँ आ जाए, ये देखें इसको हम करेंगे हल्का सा हम इसको फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का, बहुत धीमी आंच पे, कि इसमें कलर भी नहीं आए और अरोमा भी आ जाए, यानी कि खुशबू आने लगे। बेटा कलर्स कहाँ रखे हैं किंजा? इसको मैं आपको 2-3 कलर्स के साथ बनाना सिखाऊंगी, ताकि इसकी खूबसूरती और काम में आपको नज़र आए कि इसका काम कितना बेहतरीन है।
इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है, बहुत जल्दी बन जाती है, आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं एयर टाइट बॉक्स में। आप इसको रखें, इस पर आप डेट डाल के रखें कि आपने किस तारीख को बनाई है, और जब आपको इस्तेमाल करनी हो ये बनाने के बाद तकरीबन 15 से 20 दिन तक ये ख़राब नहीं होती। लेकिन अगर आपका टेम्परेचर अच्छा है फ्रिज का तो ये एक महीना भी आपके पास ये चल जाएगी और ख़राब नहीं होगी। ये देखें, ये अभी थोड़ा सा प्याज में टाइम है। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम चिकन को क्यूब्स में काट लिया। ये देखिए, ये क्यूब्स में चिकन कटे हुए हैं। हांडी के लिए अगेन आपने देखा होगा कि बोनलेस चिकन इस्तेमाल होता है, हड्डी वाला चिकन इस्तेमाल नहीं होता है, और साथ साथ इसका जो बोटी का साइज़ है वो भी बहुत बड़ा नहीं, 1 इंच का इसमें साइज़ रखा जाता है बोटी का। ये आप देख सकते हैं 1 इंच का क्यूब आप काटेंगे चिकन का। इस तरह अगेन जब आपको स्किल्स सिखाई जाती हैं, आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेते हैं, तो आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं कि आपने काम को किस तरीके से करना है, किस तरह ऑर्गेनाइज करना है। जी सिद्रा, ये हुआ, इसमें कलर खुशबू आ गई, हल्की हल्की खुशबू इसमें आना शुरू हो गई है। ठीक है, इसमें साथ साथ आप नारियल पाउडर ऐड कर दें। ये देखिए, यहाँ पे प्याज भी, जी ये खुश दूध हम 1 कप इसमें ऐड करें, डाल दें इसमें 1 कप खुश दूध डाल दें। अब इसको भी मिक्स करें इसके साथ। ये देखें, आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये नारियल और खुश दूध को मिक्स किया जा रहा है ताकि ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। इसकी मिठास के लिए हम चीनी इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसकी मिठास के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कंडेंस मिल्क जब हम इसमें ऐड करेंगे तो ये थोड़ा सा लिक्विडी हो जाएगा, यानी थोड़ा सा पतला होगा। लेकिन जब हम इसको रेस्ट के लिए रखेंगे, यानी कि थोड़ी देर हम इसको रखेंगे, उसके बाद क्या होगा, ये नारियल का बुरादा जो कंडेंस मिल्क का जो लिक्विड है, जो उससे गाढ़ा, उसको जब रखेंगे तो ये गाढ़ा होगा, रेस्ट देने के बाद ये गाढ़ा होगा। ये देखें, यहाँ पर ये मिक्स हो गया खुश्क दूध। अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा कंडेंस मिल्क ऐड करते जाएंगे। आप मिक्स करें किंजा, वो सॉरी सिद्रा, ये देखें हम इसमें ऐड कर रहे हैं कंडेंस मिल्क हम इतना ऐड करेंगे कि ये इसकी बाइंडिंग हो जाए। ये देखें यहाँ पे इसकी मिक्सिंग चलती जा रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आई मस्ट से कि आप तो खुशबू आप तक लोगों तक तो नहीं पहुँच सकती, लेकिन हम यहाँ महसूस कर सकते हैं कि इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखें, ये सिद्रा मिक्स कर रही है इसमें कंडेंस मिल्क। ये देखें, आप ये देखें इसमें गाढ़ापन आता जा रहा है, बाइंडिंग होती जा रही है, यानी कि ये आपस में मिक्सचर जुड़ता जा रहा है। ये देखें बहुत अच्छा सा, ये देखें, ये थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि फ्राइंग पैन में लग रहा है, वो बेसिकली लगेगा नहीं, फ्लेम अगर आपका कम है तो ये लगेगा नहीं। क्या होगा कि चूंकि ये स्टिकी होता है, यानी चिपचिपाहट इसमें आएगी, एक बाइंडिंग के लिए स्टिकीनेस आएगी, तो आप ये देखें ये बाइंड हो रहा है, तो ये आपको ऐसा महसूस होगा कि ये देखिए ये साथ साथ आप यहाँ ये देखें, ये बेहतरीन सी इसकी मिक्सिंग तैयार है। ये देखें, ये बहुत स्टिकी होता जा रहा है। ये देखें ये हो गया है तकरीबन तैयार। इसको हम 2 से 3 जगह डिवाइड करेंगे और क्या करेंगे, इसमें 2-3 कलर मिलाएंगे और इसको इसकी छोटी सी बॉल्स बनाएंगे, पेड़े बनाएंगे इसके छोटे, और इसको नारियल से और पिस्ते के साथ गार्निश करेंगे। यहाँ पे ये देखें, ये प्याज भी होती जा रही है, और साथ हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। ये 500 ग्राम क्यूब्स में कटावा, यानी 1 इंच के छोटे टुकड़ों में कटावा मेरे पास चिकन मौजूद था। ये देखें, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। ये देखें, इसकी कुकिंग जारी है। साथ साथ मैं क्या करूँगी, ये जो मैंने 3 बड़े टमाटर लाल रंग के ब्लांच करके, ब्लांच से मुराद ये थी कि खोलते हुए पानी में डालने के बाद क्या किया, उसका छिलका उतार दिया, छिलका उतारने के बाद उसको ब्लेंड कर लिया और एक प्यूरी बना ली। चूँकि हांडी बहुत स्मूथ होती है, बहुत बड़ा क्रीमी सा टेक्स्चर होता है, तो उसके लिए आप चॉप टमाटर नहीं डालें, कोशिश करें कि आप टमाटर को इस तरह ब्लेंड करके डालें। ये देखें, अब हम इसमें ये कर दिए हमने ऐड, अब ये थोड़ा सा पकेगा, इसका पानी रिड्यूस होगा, फिर हम इसमें दही डालेंगे और बाकी अज्जा डालेंगे, और इंस्टेंटली हमारी बड़ी जल्दी से कढ़ाई तैयार हो जाएगी। ये देखिए जी, ये देखें, ये मेरे पास नारियल का जो मिक्सचर मौजूद है, मुझे स्पून दीजिएगा। ये देखें, ये हमने इसको 2-3 जगह डिवाइड कर दिया, एक को हम सफ़ेद ही रंग से बनाएंगे, बाकी 2 में हम कलर ऐड कर देंगे।
ये देखिए बेटा, एक चम्मच स्पून और दे दें मुझे। यहाँ हमारे पास येलो कलर मौजूद है, एक में हम हल्का सा येलो कलर ऐड करेंगे। ये देखिए, इसको किया हमने मिक्स। ये देखिए, ये देखिए, ये येलो कलर की, ये देखें, इसमें एक प्याली में हमने हल्का सा येलो कलर डाला। और ये देखिए, ये बेहतरीन सा इसमें मिक्स हो गया। अब इसको हम पहले ठंडा होने के लिए रखेंगे, वरना इसकी शेप नहीं आएगी, यानी कि हम इसको अब प्रॉपर शेप नहीं दे सकते जब तक ये ठंडा नहीं होगा। इसीलिए हमने इसका साथ साथ काम कर दिया था। अब साथ ये देखें, मेरे पास मौजूद है ये थोड़ा सा पिंक कलर, ये हल्का सा हम इसमें क्या करेंगे, पिंक कलर ऐड करेंगे। ये देखिए, ये देखिए, आपने देखा होगा कि अक्सर मिठाई की दुकानों पे क्या होता है, मुख्तलिफ रंग की मिठाइयाँ नज़र आ रही होती हैं आपको रखी हुई, और बड़ी टेम्पटिंग भी लगती है, बड़ा दिल चाहता है ना कि जी जल्दी से मिठाई खा लें, बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। ये देखिए, ये हमारे पास दो कलर मौजूद हो गए। ये देखिए, ये हल्का सा गुलाबी कलर, ये हो गया एक पीला रंग, ये देखिए, और यहाँ पे है वाइट कलर की। इसको हम कोई कलर नहीं देंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सिर्फ सफ़ेद ही रखेंगे, ताकि क्या हो कि थोड़ा सा डिफरेंस भी आपको नज़र आए। ये देखिए, आप ये देखें, जैसे जैसे ये थोड़ा थोड़ा ठंडा होता जा रहा है, ये इसमें गाढ़ापन आता जा रहा है, और ये बेटा ये हटा लें, ये देखिए, ये देखें, यहाँ पे ये भी है मौजूद, और ये थोड़ा सा क्या होगा, ठंडा होगा, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, शेप करेंगे। ये देखिए, साथ साथ यहाँ पे कढ़ाई हो रही है, और ये देखें कढ़ाई, ये थोड़ा सा जब इसका पानी खुश्क होगा उसके बाद हम मसाले डालेंगे, अभी हम इसमें मसाले ऐड नहीं करेंगे। ऐसा ऐसा इसकी कुकिंग का अमल चलता जा रहा है, तो साथ साथ हम बात कर लेते हैं कुछ चीज़ों की अफादियत पे। जैसे यहाँ पे दही मौजूद है, अगेन गर्मियों का मौसम है तो आपने दही का इनटेक लाजिम करना है। दही के बगैर कोशिश करें कि आप खाना ना खाएं, बल्कि मुर्ग मसालों वाले जो खाने हैं उनको थोड़ा सा तर्क करें, अवॉइड करें, कोशिश करें दही के साथ रोटी खा लें, या फिर दही के साथ सैलड बना के खा लें, यानी ये जो आपके पास दही मौजूद है उसी में खीरा टमाटर आप डालें, थोड़े से चावल डाल लें उसके अंदर। अगर आपको बहुत दिल चाह रहा है कि रोटी चावल के बगैर पेट नहीं भरेगा, तो थोड़े से उबले हुए चावल आप ऐड कर सकते हैं इसी रायते के अंदर। और अगेन, अगर जो चावल नहीं खाने, जो लोग डाइट पर हैं, थोड़ा अपना फिटनेस की तरफ आ रहे हैं, या जो वो बच्चे या बच्चियाँ जो स्पोर्ट्स करते हैं, या वो बड़े भी खा सकते हैं जो बड़े स्पोर्ट्स कर रहे हैं, क्या करें, थोड़ा सा ओट्स बॉयल कर लें, और ओट्स में खीरा टमाटर दही इसको ऐड करें, थोड़ा सा हरा धनिया उसमें साथ आप डालें, और आप उसे आराम से खा सकते हैं। ये एक फुल टाइम मील हो जाएगी। ये वो खाना है जो आपको सेहतमंद भी रखेगा, और गर्मियों में आपको एक जो एक भारीपन हो रहा होता है, खाना खाने का दिल नहीं चाहता, इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है, पसीने आते हैं, तो एक कमज़ोरी सी भी महसूस होती है। तो ये बेहतरीन ग़िज़ा है आपके लिए दही, जिसमें आप ये तमाम अज़ा डाल के, सब्ज़ियाँ डाल के, जो मैंने आपको बताया रहता है सैलड की तरह, आप खा सकते हैं। और अगेन, पॉरिज या फिर उबले हुए चावल वो सपोर्टिंग खाना हमारे लिए हो जाते हैं, वो फूड हो जाते हैं जिससे पेट भी भर जाता है। तो कोशिश करें गर्मियों में जितना हो सके लाइट खाना खाएं, पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा रखें। पानी की बोतल आपके पास हर वक्त होनी चाहिए, आपके साथ होनी चाहिए। कोशिश करें पानी जितना ज़्यादा हो, क्योंकि देखें एक पानी पसीने के ज़रिए भी जा रहा है, फिर हम जब अगर पानी का इंटेक नहीं करेंगे, पानी नहीं लेंगे, तो क्या होगा, बॉडी हमारी डिहाइड्रेट होगी। अगर बॉडी हमारी डिहाइड्रेट होगी तो फिर हमारे अंदर जो एक नॉर्मली आप देखें कि एकदम से बच्चे फैंट होने लगते हैं, और मतलब एक अजीब सी तबीयत हो जाती है, ज़बान खुश्क हो जाती है, तो वो सारे मसले किस लिए आते हैं कि आप डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं। तो किसा आप क्या करती हैं सर, गर्मियों में पानी का इंटेक करती हैं? अच्छा, बहुत ज़्यादा। कैसे पीती हैं पानी, आप ये बताएं मुझे, पानी में कुछ डाल के पीती हैं, शरबत बना के पीती हैं, किस फॉर्म में वाटर इंटेक करती हैं आप? शेफ, मैं ज़्यादातर जो चिया सीड्स आते हैं आजकल, उसको मैं सुबह अपनी बॉटल में डाल देती हूँ, और फिर मैं वो पूरा दिन जो है वो इंटेक करती हूँ। रिफिल करती रहती हैं बॉटल को?
उसको तो उससे कुछ एनर्जी रहती है चिया सीड से, क्यों किस लिए इस्तेमाल करती हैं चिया सीड? एनर्जी के लिए या वेट लॉस के लिए आपको सपोर्ट करता है चिया सीड? दोनों चीज़ों के लिए, और आजकल वैसे भी बहुत गर्मी है तो वो चिया सीड्स जो हैं वो ठंडे होते हैं, तो इसलिए वो इनटेक अगर करेंगे तो फिर आप में डिहाइड्रेशन इतनी नहीं होगी। नहीं होगी, ठीक है। तो सिद्रा आप क्या करती हैं, आप वाटर इनटेक अच्छा करती हैं कि हाँ जी बस पिया पानी पी लिया, नहीं पिया तो भूल गया? अच्छा, हम लोग पानी पीना भूलते बहुत हैं। मुझे अभी तक एक बात समझ में नहीं आई, हम पानी पीना कैसे भूल सकते हैं? पानी तो आपने हर वक्त पीना है और ध्यान से पीना है। एंड इट्स लाइक कि जब हम ये फील करते हैं ना हमें प्यास लग रही है, तो उस वक्त हमें प्यास नहीं लग रही होती, हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो चुकी होती है। यानी कि ये महसूस करने के जी हमें प्यास लग रही है, उससे पहले आपने पानी पीना है, यानी कि बॉडी का जो हाइड्रेशन लेवल है वो कम नहीं होना चाहिए। ये महसूस करने से पहले कि जी हम प्यास हो रहे हैं जल्दी से पानी पी लें, नहीं जी, हर थोड़ी देर बाद आपने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा पानी पीते रहना है ताकि क्या हो, आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। ये देखें यहाँ पर ये फ्राई हो रहा है और इसका थोड़ा सा लिक्विड रिड्यूस होना शुरू हुआ है, यानी कि इसमें पानी कम होना शुरू हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, साथ साथ इसमें स्पाइसेस भी ऐड कर देते हैं, मसाले डालते जाते हैं। इसको यहाँ रखें ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अगेन अभी हमें सी बॉल्स बनानी है जी। मसालों की तरफ आ जाते हैं। स्पून मुझे मिलेगा एक स्पून, हाँ मुझे क्लीन करके आप दे दें। इसमें हम सारे मसाले ऐड करते जाते हैं, साथ साथ हमने दही इसमें एक कप दही भी ऐड करनी है। एक कप दही हम इसमें ऐड करेंगे और दही को डालने का तरीका ये है कि दही को अच्छे से ब्लेंड किया हुआ होना चाहिए, दही में दाना नहीं होना चाहिए। मुझे एक क्यूरी जो रमज़ान में भी हमारे पास आती रही, स्टूडेंट्स का भी अक्सर ये कंसर्न होता है कि शेफ जब हम खाने में दही डालते हैं वो फट जाती है, तो उसकी दो ही वजूहत होती हैं। एक तो दही का प्रॉपर ब्लेंड ना हुआ होना, यानी कि अगर दही प्रॉपर फिटी भी नहीं है, अच्छे से नहीं फेटी आपने, उसमें दाना है तो भी दही कर्डल होगी। और दूसरा एक जब खाना बहुत ज़्यादा बॉयल हो रहा हो, बहुत गर्म हो, तो क्या करना है, उस वक्त भी आपने उसमें दही नहीं डालनी। उससे क्या होगा, अगर आपने बिल्कुल खोलते हुए खाने में, उबलते हुए खाने में अगर आपने दही ऐड कर दी तो भी वो फट जाएगी। इस वक्त आप ये देखें, ये मेरे पास ये बबल ज़रूर कर रहा है, लेकिन ये इस वक्त इस कंडीशन में नहीं है कि इसमें मैं दही डालूं और ये फट जाए। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको चूल्हे से हटा दें और दही ऐड करें, दही को मिक्स करें और वापस चूल्हे पे रख दें, तो भी आप इस खाने में दही नहीं फटेगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, आप ये देखें, मैं ऐड करने जा रही हूँ उसमें आधा कप दही। ये देखें आधा कप मैंने इसमें दही ऐड कर दी है। बस इसको यहाँ रख दें, साइड पर रख दें। ये देखें इसको मैंने किया मिक्स, इसको बहुत अच्छे से जल्दी से मिक्स कर दें तो भी मिक्स। हमारे यहाँ क्या होता है, दही डालने के बाद हम उसको इसी तरह अनअटेंडेंट छोड़ देते हैं, यानी कि पतीली के पास से हट जाते हैं तो दही कर्डल हो जाती है। लेकिन आप यहाँ देखें, ये दही बिल्कुल भी कर्डल नहीं होगी और ये बहुत स्मूथ सा पेस्ट बनेगा, बहुत क्रीमी सा पेस्ट बनेगा और बहुत जल्दी तैयार होगा। साथ साथ हम मैंगो लस्सी भी बनाएंगे। और ये देखिए आप यहाँ पर, ये देखें बहुत स्मूथ इसकी ग्रेवी मौजूद है। ये देखें, ये देखिए, ये टमाटर का और दही का गुलाबी सा रंग आप देख सकते हैं, जो कि किसका कलर होता है, हांडी का कलर होता है। और इसमें अभी जब हम स्पाइसेस डालेंगे तो और बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो स्पाइसेस ऐड कर देते हैं इसमें। ये एक चम्मच जाएगा कुटा हुआ धनिया, ये इसमें चला गया जी। अब आ जाते हैं बकाया स्पाइस की तरफ। एक चौथाई चम्मच चली गई इसमें हल्दी, और जी ये देगी मिर्च मेरे पास जो मौजूद है, जो कि एक टीस्पून इसमें जाएगी। काली मिर्च एक, हमने आधा टीस्पून इसमें काली मिर्च डाल दी। पिसा हुआ धनिया मौजूद है, ये देखिए पिसा हुआ धनिया मौजूद है, जो कि एक टीस्पून इसमें चला गया। ये देखिए ये चला गया, यहाँ पे रखा हमने इसको। और अब हम आ जाते हैं लाल मिर्च पाउडर की तरफ। ये लाल मिर्च का पाउडर जाएगा इसमें, दो टीस्पून ये चला गया लाल मिर्च का पाउडर। अच्छा जी, नमक, ये नमक का मसला मेरे साथ रमज़ान में बहुत रहा, क्योंकि हम सब रोज़े से हुआ करते थे, तो रोज़ा होता था, गर्मी होती थी, मैं तो अक्सर नमक डालना ही भूल जाती थी। ये देखिए चला गया इसमें डेढ़ टीस्पून नमक। और यहाँ पे जायफल जावित्री मौजूद है, सारे मसाले हम क्या करेंगे बाद में डालेंगे। और यहाँ पे हमारे पास हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्च भी मौजूद है, जिसकी अभी हम कटिंग करते जाएंगे और साथ साथ क्या करेंगे, इसकी प्रिपरेशन करते जाएंगे। और लज्जत विद किचन में इस वक्त हुआ हो गया है ब्रेक का वक्त, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है, क्योंकि हमारे किचन में बन रही है हांडी और हांडी का फाइनल प्रेजेंटेशन भी हम देखेंगे, साथ साथ मिठाई भी तैयार करेंगे और अभी मैंगो लस्सी तो बाकी है। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद,
लज्जत विद स्किल्सटन में। आपको वेलकम बैक करते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे हमने ब्रेक में दे दी कोकोनट की मिठाई को शेप। अगेन अभी ये थोड़ी थोड़ी सी गर्म है, लेकिन हमने इसको फिर भी शेप दे दिया है। आपने क्या करना है, तकरीबन 1 से 2 घंटे इसको रेस्ट देना है, यानी कि ये कम्प्लीटली कूल डाउन हो जाए, यानी कि ठंडी हो जाए। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको शेप देना है। तो क्या होगा कि इसका एक जो प्रॉपर टेक्सचर है वो और खूबसूरत आ जाएगा। बीबी आप देखें, ये बहुत अच्छी सी इसकी शेप आ गई है। इसमें क्या करना है, ऊपर आपने एक एक बादाम लगा देना है। किसी में आप क्या करेंगे, किसी में आप पिस्ता लगा देंगे, अपनी पसंद के आप इसमें ड्राई फ्रूट ऊपर लगाते जाएं। ये देखिए, ये हमारे पास पिस्ता मौजूद है, इसमें आपने लगा दिया पिस्ता। ये देखिए, ये देखें, इस तरह आपने बहुत अच्छी सी मिठाई बना ली है। और ये आप इसको ठंडा करें, स्टोर करें, ज़्यादा दिन के लिए आप इसको प्रिजर्व भी कर सकते हैं। ये और बाकी भी तैयार है हमारे पास मिठाइयाँ, साथ साथ मैंगो लस्सी का सामान निकाल लें। किंजा मैंगो निकाल लें, क्यूब में कटे हुए हमारे पास मैंगो भी रखे हुए हैं। ये देखिए, इसको आप थोड़ा सा रेस्ट टाइम देंगे तो ये बहुत अच्छी इसकी और शेप आ जाएगी। ये देखिए, इसके ऊपर सिदर, इसके ऊपर वो लगाते जाएँ, नट्स लगा दें। ये लीजिए, यहाँ पे साथ साथ हांडी देखें पकती जा रही है, इसका पानी रिड्यूस होता जा रहा है, यानी पानी इसका जब कम हो जाएगा तो फिर हम इसमें क्रीम डालेंगे और बाकी अज्जा डालेंगे। जी यहाँ पे डालें, इसमें आम डालें, आम ऐड करती जाएँ, आम डालें। इसमें हमारे पास 3 बड़े कटे हुए आम मौजूद हैं। ये देखिए, 3 बड़े कटे हुए आम, जिसे किंजा ऐड करने जा रही हैं किसमें, ब्लेंडर में, यानी कि मैंगो लस्सी के लिए आपको 3 बड़े कटे हुए आम चाहिए। और साथ साथ चाहिए 1 पाव दही, 1 पाव दही से ज़्यादा भी आप दही डाल सकते हैं। अगर आपके पास 3 बड़े कटे हुए आम हैं तो आपके पास 300 ग्राम से लेकर 500 ग्राम तक दही की गुंजाइश बनती है। तो आप इसमें 300 ग्राम दही डालें 1 पाव, या 500 ग्राम। अगर आपको ज़्यादा दही का फ्लेवर चाहिए तो आप 500 ग्राम तक की दही की गुंजाइश इसमें निकाल सकते हैं, वरना 250 ग्राम दही इसमें स्टैंडर्ड है। आप आराम से इसमें 250 ग्राम दही बैलेंस रहेगी। जी ये इसमें चला गया दही, सॉरी आम चले गए, दही डल लिया है किंजा। 300 ग्राम दही जो हमने फेंट के रखा हुआ है वो इसके अंदर डालेंगे। ये रहा दही, दही ऐड कर दें किंजा इसमें। अच्छा जी, साथ साथ मैं आपको देखें, किसी भी चीज़ की कटिंग बहुत मैटर करती है। किसी भी खाने में आप जब खाना बना रहे हैं, खाना सर्व कर रहे हैं, तो खाने का जो एक लास्ट गार्निश होती है, जो इन्हेंसमेंट आती है, वो आपकी कटिंग से आती है। तो किसी भी प्रोडक्ट की कटिंग होना, अच्छी होना इंग्रेडिएंट का बहुत मैटर करता है। अगर आप ये देखें यहाँ पर, इस वक्त हम जूलियन अदरक काट रहे हैं। जूलियन अदरक के लिए आप यहाँ पर देखें, बहुत फाइन स्लाइस अदरक का निकला हुआ होना ज़रूरी है। एक प्याली में मुझे पानी है यहाँ पे, दे दीजिए। ये देखें, इसको साथ साथ हमने क्या किया, बहुत फाइन स्लाइस निकला, और इसको हमने बिल्कुल फाइन चीनी भी लिया है किंजा। ये देखें, ये देखें, ये यहाँ पे हमने क्या किया, इसको बहुत फाइन जूलियन अदरक को हमने काटा। ये देखिए, बहुत फाइन स्लाइस निकाल, और इसकी आप कटिंग देखें, बहुत फाइन काटा। यहाँ पे ठंडा पानी आपके पास मौजूद होना चाहिए। आप जब अदरक वगैरह काटते हैं तो क्या करें, आप फौरन ठंडे पानी में डाल दें। आप इसमें देखें कितना फाइन अदरक कटा हुआ है। अगेन ये देखिए, बहुत फाइन स्लाइस आपने निकालना है। ये देखिए क्या करना है, अदरक का आपने बिल्कुल फाइन स्लाइस निकालना है। जितना स्लाइस फाइन स्लाइस आपका निकला होगा, उतनी आपकी क्या होगी, अदरक बारीक कटेगी। ये देखें जी, एक, हाँ जी हाँ, इसमें 1 कप हम क्या कर रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं। चीनी और जाएगी किंजा इसमें, 1 पाव चीनी जाएगी। 200 से 250 ग्राम जो थोड़ा ज़्यादा मीठा पीते हैं वो 250 ग्राम चीनी डाल लें, और जो एक स्टैंडर्ड मीठा पीते हैं तो वो 200 ग्राम चीनी डालें। तो हम इसमें 200 ग्राम चीनी डालेंगे। आप यहाँ पर ये देखें, ये देखिए अदरक, आप देख सकते हैं कितनी बारीक अदरक कटी हुई है। ये देखिए बिल्कुल फाइन अदरक कटी हुई है। तो इससे क्या होता है, किसी भी आप खाने पे जब ये अदरक डालते हैं तो गार्निश एकदम से निकल कर आती है, खूबसूरत महसूस होती है। ये देखिए, ये हमने हांडी के लिए की है अदरक को फाइन फाइन जूलियन। साथ साथ हम हरी मिर्चें भी काट लेंगे, हरी मिर्चें भी काटेंगे, जो कि क्या होगा कि ऊपर गार्निश के काम आएंगी। ये देखिए,
आप अपना फीडबैक दे सकते हैं हमें, नंबर आप देख रहे हैं यहाँ पे बैंड चल रहा है, आप अपना फीडबैक दीजिए, अपनी फरमाइशें जो आप बनवाना चाहते हैं हमारे किचन में जो चीज़ें वो आप हमसे शेयर कीजिए, और साथ साथ आप इस किचन का पेज और लाइक एंड शेयर करके बन सकते हैं कुरान दाजी का हिस्सा, जिसमें आप सीख सकते हैं एक महीने की फ्री ट्रेनिंग, यानी कि इस किचन आपको कर रहा है एक महीने की फ्री ट्रेनिंग, जिससे आप अपने करियर को बिल्ड करने के लिए बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि प्रोफेशनल स्किल्स कितनी ज़रूरी हैं हमारी रोज़मर्रा की जो हम काम कर रहे होते हैं उसमें भी, और इंडस्ट्री के लिए भी, यानी कि इंडस्ट्री की भी रिक्वायरमेंट है जिसमें आप क्या करेंगे, आपको प्रोफेशनल स्किल्स। अब तो नॉर्मली जब हम जॉब के लिए जाते हैं इस फील्ड में तो पूछा जाता है कि जी आप ट्रेंड हैं या नहीं है। एक ज़माना था कि जब एक वक्त था कि नॉर्मली जो इसी तरह जो घर में काम सीखते थे और वो इंडस्ट्री में आ जाते थे, लेकिन अब इस इंडस्ट्री का भी थोड़ा सा नॉर्म चेंज हुआ है और उन लोगों को प्रेफरेंस दी जाती है जो काम सीख कर आ रहे हैं। तो क्यों ना अपने करियर को हम बनाने के लिए स्किल बेस्ड ट्रेनिंग लें। ये देखिए, ये साथ साथ हरे धनिए को भी हम क्या करेंगे, बिल्कुल फाइन चॉप करेंगे जी, दही जी इसमें हम साथ साथ दही भी डालेंगे, दही ऐड, वो बर्फ़ क्रश की भी बर्फ़ ऐड करेंगे एक प्याली, ये देखें। धनिया भी गार्निश के लिए कट चुका है, ये देखिए जी, इसमें पानी ऐड करेंगे, उसको ब्लेंड करेंगे, पानी ले आए, पानी दे दें, इसमें पानी ऐड कर दें, दो ग्लास इसमें पानी ऐड करेंगे, उसको ब्लेंड करेंगे, ये देखें इसका पानी हो रहा है खुश्क, ये देखिए। साथ साथ अब इसमें हम फाइनल इंग्रेडिएंट भी डालते जाते हैं, यहाँ हमारे पास मौजूद है एक टीस्पून भुना कटा ज़ीरा, वो हमने इसमें ऐड कर दिया, साथ साथ हमारे पास यहाँ रखा है ना पीछे वो ले लीजिए, ये देखें एक चुटकी हम डालेंगे जायफल, एक चुटकी हम डालेंगे इसमें जावित्री, ये हमने इसमें ऐड कर दिया, हमारे पास कसूरी मेथी मौजूद है, अगेन कसूरी मेथी बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है वरना क्या होगा इसका फ्लेवर ख़राब हो जाएगा, कसूरी मेथी बिल्कुल चुटकी एक चौथाई चम्मच जाएगी, ज़्यादा नहीं जाएगी, देखें हल्का सा आपने कसूरी मेथी को हाथ से इसी तरह क्रश करके आपने ऐड करना है, ये देखें ये ऐड आपने कर दिया, ये देखें ये हो गया मिक्स, बस इसको हम 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाएंगे और इसको हम डिश आउट करेंगे, और क्रीम डालना हम इसमें कतई नहीं भूलेंगे, हमें बहुत अच्छी तरह याद है कि अभी हम इसको क्रीम ऐड करनी है, इसको साथ साथ ब्लेंड करते जाते हैं, जी इसमें 1 से 2 ग्लास हम करेंगे पानी ऐड, ये देखिए और ये मज़ेदार सी मैंगो लस्सी हमारे पास तैयार। ये मज़ेदार सी मैंगो लस्सी भी हो गई है तैयार, और गर्मी के लिए बहुत, हमेशा हम मैंगो शेक बनाते हैं ना कि जी मैंगो शेक बना लिया, मैंगो स्मूदी बना ली, तो क्यों ना मैंगो लस्सी भी बनाई जाए, ये देखिए ये देखिए, साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, मैंगो लस्सी भी ग्लास में निकालते जा रहे हैं, ये देखिए ये हो गई है मैंगो लस्सी तैयार जी। गिंजा इसको वहाँ ले जाएं, ये इसको हम इसी तरह प्लेट पर रखेंगे, ये उसी में रहेगा सिद्रा, ये उसी में रहेगा, ये उठाएं इसको वहाँ रख दें, सामने रख दें, ये देखिए ये आपकी बेहतरीन सी मैंगो लस्सी तैयार है, और बस कढ़ाई भी हमारी तैयारी पे है, ये देखिए ये देखिए ये इसको टेबल पर सर्व करें, जब तक किंजा और सिद्रा आप दोनों यहाँ पे, हम कढ़ाई को भी डिश आउट करते हैं, तकरीबन हमारी कढ़ाई तैयार है, उसमें हम क्रीम ऐड करेंगे, क्रीम ऐड करके हम क्या करेंगे इसको सर्व करेंगे, ये देखें हमारे पास क्रीम मौजूद है, नहीं दूसरा भी रखें, दोनों रखें, ये देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, आधा पैकेट क्रीम का इसके अंदर ऐड कर देंगे, ये देखिए, और बहुत अच्छे से चम्मच चलाएंगे तेज़ी से ताकि क्रीम कर्डल ना हो, ये देखिए ये देखें ये देखें, बेहतरीन सी कढ़ाई आपकी तैयार है, इसको हम डिश आउट करते हैं, ये देखें कढ़ाई हमारी रेडी हो गई, ये हमने किया इसको डिश आउट,
तो अब कढ़ाई खाने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे बहुत अच्छी कढ़ाई बना सकते हैं और बहुत अपने बजट को कंट्रोल कर सकते हैं, घर वाले भी खुश, साफ़ सुथरा खाना। और जब आप घर का साफ़ सुथरा खाना खाते हैं तो ऑब्वियसली जो बीमारी का रेशो है घर में वो कम हो जाता है, जब घर में बीमारी कम होगी तो सेहतमंदी आएगी और जब सेहत सही होगी तो एक खुशहाल घराना बनेगा। ये देखिए यहाँ पे हमने इसको डिश आउट कर दिया, ये सबसे पहले हमने डाली इसमें क्रीम, हल्का सा क्रीम को यूँ ड्रिजल कर दिया आपने, ये देखें हल्के हल्के आपने इसमें क्रीम ऐड कर दी और उसके ऊपर आपने डाली हरी मिर्चें, ये आपने डाला जूलियन कटा हुआ अदरक, उसमें इसको हल्का सा आपने पानी को उसमें से कर दिया खुश्क, ये देखिए अदरक डाला और सबसे ऊपर आपने डाल दिया हरा धनिया, ये देखिए जी नाज़रीन ये बन चुकी है हमारी मज़ेदार सी हांडी और मैंगो लस्सी और साथ साथ हमारी कोकोनट की मिठाई यानी नारियल की मिठाई। इसको भी टेबल पर रख दें सिज़रा किंज़ा, ये लीजिए इसको टेबल पर रख दें जी, ये देखिए जी नाज़रीन, जी नाज़रीन आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी सारी रेसिपीज़ बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं, मैंगो लस्सी तैयार है, इंस्टेंट नारियल की मिठाई मौजूद है, साथ साथ हमारी चिकन हांडी भी मौजूद है। तो अपनी राय अपना फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, इस किचन के पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी पुरानदाजी का हिस्सा बनिए, फ्री ट्रेनिंग विन कर सकते हैं आप, साथ साथ लज्जत विद इस किचन में कॉल कीजिए, लाइव कॉल कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए, आपको कोई सवाल है वो पूछिए, कोई बात आप जानना चाहते हैं, कोई फरमाइश करना चाहते हैं, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो वो सारी बातें आपके साथ वक्तन फवक्तन चलती रहेंगी। और अगरचे आपकी कोई राय आपकी ऐसी है जो हमारे प्रोग्राम की इन्हेंसमेंट कर सकती है तो उसको हम ज़रूर अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं बहुत इकोनॉमिकल बजट में आज की टेबल हमने तैयार की है, ये देख सकते हैं आप यहाँ सारी चीज़ें ये मौजूद हैं यहाँ पे। साथ साथ मैं आपको कुछ चीज़ें और शेयर करती जाऊँ किचन के हवाले से, चूँकि गर्मी का मौसम है और गर्मी अब के तो ऐसी आई है कि जाने का नाम नहीं ले रही है, तो कोशिश करें कि वो खाने बनाएं जो जल्द से जल्द तैयार हो जाएं, किचन में आप बहुत सारा टाइम ना गुजारें क्योंकि आपको पता है गर्मी है, किचन में एग्जॉस्ट का बहुत जगह पर वेंटिलेशन का सही इंतज़ाम नहीं होता है, तो क्या होता है कि हमारी तबीयतें ख़राब हो जाती हैं। वाटर इंटेक ज़्यादा रखें, अपनी सेहतों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात हमारी रोज़ रहेगी हमारे किचन में, हमारे कैंपसेस में और हमारे दूसरे असातज़ा के साथ, दूसरी फैकल्टी के साथ, मेरे दूसरे फैलोज़ के साथ। और इस वक्त स्किल्सटन लज़्ज़त विद स्किल्सटन में हुआ जाता है प्रोग्राम ख़त्म होने का वक्त, तो इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर लज़्ज़त विद डिस्कशन में। हमें आपका इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक का, बहुत जल्द आपसे कल मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।